मानवपूर्ण यात्रा पे चल रहे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी यहां पर उपस्थित, समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, सभी कार्यकर्ता साथी पत्ता बंधु, मैं सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा में आए हुए सभी दोनों दलों के कार्यकर्ताओं और आम जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। प्रयागराज शहर दुनिया में जाना जाता है, मुझे खुशी है इस बात की मोहब्बत की दुकान को लेकर के जो चले हैं इस शहर में बाजार में ही पूरा शहर मोहब्बत का शहर है। जितनी मोहब्बत भर सकते हैं भर करके ले जाइए और पूरी यात्रा में बांट के चले जाइए। आने वाले समय में जो चुनौती है वो लोकतंत्र बचाने की चुनौती है, संविधान बचाने की चुनौती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था, गरीब पिछड़े जिनको हक और सम्मान मिलना चाहिए, इतने वर्षों बाद भी सम्मान नहीं, और जो कुछ नहीं मिला था वो भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया है। किसानों के भविष्य का है, जो लोग किसानों का नारा देते हुए थक नहीं रहे, आज सरकार के खिलाफ आज किसान खड़ा है। ये सरकार वो है जो काला कानून लाई, किसानों की ताकत से घबरा करके इन्होंने काले काले कानून ले लिए। इन्हें कोई दुख नहीं इस बात का कि आज सबसे ज्यादा किसानों की जान चली गई। आज फिर किसान अपना हक और सम्मान बचाने के लिए खड़ा है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में दिल्ली में भाजपा हटेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनकर के किसानों को सम्मान दिलाने का काम करेगी। न केवल सम्मान बल्कि उनकी जो मांगे हैं एमएसपी को लेकर के उनको पूरा करने का काम करेगी। ये नारा हम सब लगाते हैं, जय जवान जय किसान, और बीजेपी के लोग थकते नहीं, भारत माता की जय बोल करते। सोचो इस देश का किसान दुखी हो, नौजवान के सपने तोड़े जा रहे हो, नौजवान का भविष्य ना हो, उनके हाथ में नौकरी और रोजगार ना हो, नौकरी और रोजगार और डिग्री को लेकर के चिंतित हो। खबरें ये भी आ रही हैं कि नौजवान अपनी डिग्री जला करके आत्महत्या कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में और जब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भर्ती होनी चाहिए थी लेकिन नौकरियां नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, कोई भर्ती ऐसी सरकार की नहीं जिसमें पेपर लीक ना होता हो, एक कमाल की सरकार है। इसमें लीक होते हैं पेपर और ये लीक जानबूझ करके सरकार करती है। वो इसलिए करती है क्योंकि वो नौकरी और रोजगार नहीं देना चाहती, उसकी नियत में नौकरी देना नहीं है। ये कुछ लोगों को काम, कुछ लोगों को लाभ
पहुंचाने का सरकार क्या कर रही है। हमें उम्मीद है ये इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई एनडीए को हराने का काम करेगी। ये पीडीए जहां जहां आवाज उठाएगा वहां वहां भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और इस यात्रा के माध्यम से जो संदेश जा रहा है मैं उसको बधाई देता हूँ। राहुल जी को तमाम अपने कार्यकर्ता साथियों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस राज्य को सफल करने का काम किया। ये सफल तभी होगा जब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अस्सी हराओ, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी भगाओ। मैं राहुल जी से कहूंगा कि मुझे अपनी धन्यवाद अखिलेश जी। अखिलेश जी, प्रियंका कांग्रेस पार्टी के, अजय राय जी हमारे सब सीनियर नेता, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता हमारे कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के हमारे मित्रों, आप सबका मैं यहाँ दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक साल हुए हमने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चली। समुद्र के तट से हम शुरू हुए, हिमालय की बर्फों तक हमारी यात्रा गई और यात्रा के अंदर से एक नारा आया, एक व्यक्ति आया दौड़ता हुआ, जैसे ये भीड़ है उस भीड़ में से एक व्यक्ति आया दौड़ता हुआ मेरे सामने खड़ा होकर ऐसे कहता है, राहुल जी मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो। मैंने पूछा, भैया बताओ मैं क्या कर रहा हूं। कहता है, राहुल जी आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हो। और यही हम अब मिलकर अखिलेश जी, प्रियंका जी, इंडिया गठबंधन, हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी काम जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाई गई है, जो भाई को भाई से लड़ाया गया है, जो भाई और भाई को डराया गया है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है, मिलकर खड़ा होना है। और ये देश जो है ये नफरत का नहीं है, ये मोहब्बत का देश है। सही बात है, मोहब्बत का देश है या नफरत का देश है? मोहब्बत का देश है ना। तो पहली लड़ाई नफरत को खत्म करने की लड़ाई है। मैं आपसे पूछता हूं, नफरत को नफरत से काटा जाता है? नहीं, नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है। सही बात, नफरत को किस चीज से काटा जाता है सुना नहीं मैंने? ये मोहब्बत से काटा जाता है और हम इनकी नफरत को मोहब्बत से मिटाएंगे। अब यात्रा पे जब मैं चल रहा था, लोगों ने मुझसे कहा कि राहुल जी आप 4000 किलोमीटर चल रहे हो, आपको मिटाने की कोशिश कर रहे हो। मैं उनसे पूछता था, भैया आप मुझे बताओ इस नफरत का कारण क्या है? मुझे कहते थे, राहुल जी इस नफरत का सबसे बड़ा कारण है कि हिंदुस्तान में अन्याय फैल रहा है, गरीबों को अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, मजदूरों के खिलाफ अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय। अगर आप गरीब हो, आपके साथ 24 घंटा इस देश में अन्याय होगा। तो नफरत का कारण अन्याय है और इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में अन्याय शब्द जोड़ दिया है। अब यहां भीड़ से मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? 50%, 50%। इस देश में दलित वर्ग के कितने लोग हैं? 15%। इस देश में माइनॉरिटी सारी की सारी मिला दो, मुसलमान, सिख, ईसाई,
कितने हैं जैन, कितने हैं 15%, 50 और 15 कितना हुआ, 65 और 15 कितना हुआ, उसमें 8% आदिवासी जोड़ दो कितना हुआ, कितना हुआ 88। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो और आपको दिखेगा कि 88% में से एक मालिक नहीं है आपका। आप फिर सीनियर कंपनी की मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें दिखेगा 88% से एक सीनियर मैनेजमेंट में आपका नहीं है। फिर मीडिया में जाओ, मीडिया की कंपनी के मालिकों की लिस्ट निकालो, 80% का एक भी मीडिया का मालिक नहीं, एक भी मीडिया में मालिक नहीं। मीडिया के बड़े बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकालो, 88% का एक वहां पे नहीं मिलेगा। प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालो, वहां नहीं मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकालो, वहां नहीं मिलेगा। तो आप लोग हो कहां, आपके लोग है कहां, मैं बताता हूं। आपके लोग मनरेगा की लिस्ट में होंगे, आपके लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट में होंगे, आपके लोग मजदूरी करते हैं। यही हमें बदलना है, यही न्याय, सामाजिक न्याय का मतलब है। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान के बजट को 90 लोग बांटते हैं, सबसे बड़े IAS ऑफिसर। मैंने इनकी लिस्ट निकाली, 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के हैं, 3 दलित वर्ग के हैं, 1 आदिवासी वर्ग का है। और अगर 100 रुपए बजट में खर्च होता है तो आप सब लोग मिलाकर 6-7% बजट की भागीदारी रखते हो। और सच्चाई है कि हिंदुस्तान में लंबे लंबे भाषण चलते हैं, अगर जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दलित हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनकी इस देश में भागीदारी है ही नहीं। और यही इंडिया गठबंधन का लक्ष्य है। हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, आर्थिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं। किसानों को सिर्फ एक चीज चाहिए, उन्होंने कहा है कि हमें लीगल MSP दे दीजिए। नरेंद्र सरकार कहती है कि हम आपको लीगल MSP नहीं देंगे, लीगल MSP आपको नहीं मिलेगी। इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने कहा है, जैसे ही हमारी सरकार आई, हिंदुस्तान के किसानों को हम लीगल MSP दिलवा देंगे, एक मिनट नहीं लगेगा। तो न्याय की लड़ाई है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और मैं अखिलेश जी को, समाजवादी पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, लीडर्स को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सबको बधाई देता हूं। और हम मिलकर लड़ रहे हैं और यहां हमारी जीत होगी। जय हिंद, नमस्ते। न्याय का हक मिलने तक।